धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर बलियापुर मार्ग स्थित डाक बंगला परिसर में जेबीकेएसएस युवा मोर्चा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेबीकेएसएस सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो के द्वारा किया गया और आयोजित महासम्मेलन में धनबाद सहित राज्य के अलग अलग जिलों एवं क्षेत्रों से जेबीकेएसएस के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसके समक्ष टाइगर जयराम महतो ने राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती चुनावी रणनीति तैयार करने एवं जीत मंत्र का अपने कार्यकर्ताओं को दिया। सबसे पहले आप तमाम नूतन के 34 मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, मीडिया की बहनें भी है उनका भी धन्यवाद। विधानसभा का चुनाव है और उसके लिए हम लोग अपनी टीम को पूरी तरह से एक्टिव कर देना चाहते हैं। युवा चूंकि ऊर्जावान है, युवा यानी हवा की गति से हमारे संदेश को बूथ तक ले जाने वाले शख्स। पिछला दिन उनका सम्मेलन रखा गया था, उन्हें एक मंत्र दिया गया यहाँ से कि आपको विधानसभा के चुनाव में काम कैसे करने हैं, किस प्रकार से आपको परिस्थितियों से निपटना है, कहाँ आपको अनुशासन का परिचय देना है, कहाँ आक्रमकता का परिचय देना है, इन सब विषयों में से उनको परिचय करवाया गया और उन्हें दिशा निर्देश भी दिया गया। संभावना हम लोग बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार नया कुछ जनता के? देखिए, जनता के नजरिए से अगर बात करें तो मुद्दा रहेगा रोजगार का, मुद्दा रहेगा विस्थापन का, मुद्दा रहेगा एक बेहतर पुनर्वास आयोग गठन का, मुद्दा रहेगा हम लोग शिक्षा को बेहतर करने के लिए पंचायत स्तरीय लाइब्रेरी स्थापना करने का मुद्दा रहेगा, युवाओं को खेलकूद से जोड़ने के लिए प्रखंड स्तरीय क्रीड़ा स्थल हमारा मुद्दा रहेगा और इस राज्य की जो लचर स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था है जो केवल भगवान के भरोसे चल रही है, उन भरोसों को सिस्टम के भरोसे चलाना ये हमारा मुद्दा रहेगा। सोशल मीडिया से जो है दुष्प्रचार को विधानसभा चुनाव में कैसे देखते हैं, उस चुनौती का सामना कैसे? देखिए, सोशल मीडिया हेड और टेल दोनों है, वो दोधारी तलवार।